नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल को सही पढ़ा। मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, वो 100% प्रॉफिटेबल होगी और उसमें आपको ऑप्शन सेलिंग भी नहीं करनी है, ऑप्शन बाइंग ही करनी है। और वही चीज़ मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे करके बताऊँगा, ऑप्स्ट्रा का ग्राफ बताऊँगा, तो आप काफ़ी खुश हो जाएंगे कि यह स्ट्रेटजी लगाई तो मुझे 100% प्रॉफिट होना ही होना है। और आप ऑप्स्ट्रा वालों के तो जानते ही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्ट्रेटजी को ऑप्स्ट्रा पे टेस्ट करके बता देते हैं, आपको बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं, आप भी जाके वहाँ पर बना लेते हैं। इवन मैं भी बनाता हूँ वहाँ जाके स्ट्रैटेजी, मैं भी उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बट क्या होता है, मेरा ये मानना है कि इन्वेंशन इज़ द टूल ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कुछ केसेस में वो ट्रू होता है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको ऑन पेपर तो स्ट्रैटेजी बहुत सही लगेगी और आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेड होगे कि इसको मैं अप्लाई करूँ। आप चाहेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, T+0 day में मुझे बहुत सारा प्रॉफिट देके जाएगी और अगर ज़्यादा देर तक होल्ड किया तो मेरी तो चांदी ही चांदी है। और आप भी अगर बिल्कुल आंखें बंद करके फॉलो करते रहेंगे, जनरली मैं खुद भी ऑप्स्ट्रा यूज़ करता हूँ, तो आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट द थिंग इज दोज पीपल हु डोंट अप्लाई देयर माइंड, दे जस्ट फॉलो वॉट एवर अदर पीपल सेज, उन लोगों की तरह, तो आप भी ये देख के शॉक हो जाएंगे। थंबनेल में बिल्कुल करेक्ट लिखा हूँ और उसके बिना पे ही मैं आपको एक स्ट्रेटजी लगा के बताता हूँ। स्ट्रेटजी में जनरली डिफाइन कर दिया हूँ या बना दिया हूँ, आपको कभी भी उस स्ट्रेटजी को मिमिक करना हो कि अच्छा ठीक है यार हमको भी ये स्ट्रेटजी बनानी है, अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली, बाइंग वाली, तो डेफिनेटली आप भी बना सकेंगे। तो आप एंड तक बने रहिए और देखिए कि मैं स्ट्रेटजी कैसे बनाता हूँ। भले स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल होने वाली है, बट आप जब देखेंगे तो आप देख के यार क्या स्ट्रेटजी बनाई यार, मतलब ये तो हमको 100% प्रॉफिट करके ही जाएगी यार, ऐसी वाली स्ट्रेटजी है। T+0 day पे हमको प्रॉफिट दे के चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक्चुअली मैं इसको कैसे आया इस आइडिया मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं भी जनरली ऐसे टूल्स यूज़ करता हूँ, बट जब मैं किसी और का वीडियोस देखता रहता हूँ ना यूट्यूब पे, बहुत सारे गुरुज है, तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ कॉमन मिलती है, वो लोग किसी वेबसाइट को खोलते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को खोलते हैं और उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करके बता देते हैं। और मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट द थिंग इज़ कि रियल मार्केट में वैसी चीज़ें काम नहीं करती। रियल मार्केट इज़ समथिंग डिफरेंट, ऐसा नहीं बोलूँगा एंटायरली डिफरेंट है, बट कहीं पर आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ता है। तो जो भी लोग उस वीडियो को देख रहे थे ना, उसमें आधी से ज़्यादा जनता तो क्या सोचती है, ये मुझे बोल दे कि यहाँ पर खरीद लो, यहाँ पर बेच लो और मैं कर लूँगा और मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। और ऐसे अंधभक्त जो होते हैं, मैं उनको अंधभक्त ही बोलूँगा, क्योंकि आपको जब भी किसी को फॉलो करना है, प्लीज़ यार मुझे भी फॉलो करो, कोई इशू नहीं है, बट अपना दिमाग पहले अप्लाई करो यार, ऐसा कभी किसी को नहीं फॉलो करने का, बिकॉज आपका मनी है, आपको पूरा राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। आप खुद का दिमाग अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऐसे ग्राफ पे तो मैं भी आपको 100% ऊपर बता दूंगा एंड यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय दैट। चलो तो चलते हैं और एक स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑप्स्ट्रा खोल लिया है, मैं इस फ्यूचर को ऑप्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर इस ऑप्शन चेन पर क्लिक करता हूँ। अभी कल ही एक्सपायरी है तो उसका ही ले लेते हैं उस स्ट्रेटजी को। स्ट्रेटजी को कैसे चेंज करता वो देखिए आप। तो यहाँ पर मैं 250 मतलब 15,250 जो एट द मनी है उसको मैं बाय कर लेता हूँ। अभी इससे 100 पॉइंट डाउन 15,150 यहाँ का कॉल मैं बाय कर लेता हूँ। फिर यहाँ से फिर 100 पॉइंट अप 15,350 यहाँ का कॉल मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, आप कहेंगे ये स्ट्रेटजी कैसे 100% प्रॉफिटेबल है। रुकिए, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है इसको T+0 line बोलते हैं बहुत सारे लोग, मतलब सेम डे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे T+0 ना, तो ज़्यादा लॉस नहीं बता रहा है ये, -1168 बता रहा है। अभी मैं बोला हूँ 100% प्रॉफिटेबल, तो मैं बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है इसको। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर अभी की कल की एक्सपायरी उसको 10th मार्च की एक्सपायरी से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी सेम कीजिए, 10 मार्च की एक्सपायरी है उससे रिप्लेस कीजिए, अगला भी सेम 10 मार्च की एक्सपायरी से रिप्लेस कर दीजिए। अभी देखिए ये T+0 की जो लाइन है वो कहाँ गई। अगर मैं ही आपको बताता हूँ, अरे मैं 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ, जिसे आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं, अरे ये वो बिल्कुल अपन जाएंगे फोड़ के आ जाएंगे स्टॉक मार्केट में, अपन ही हीरो है, वॉरेन बफेट बन जाएंगे एक दिन में, ऐसी वाली स्ट्रेटजी लेके आ गया मैं आपके लिए, और आपको बिलीव नहीं होता है तो यही देख लीजिए ना। ये देखिए ये ब्लू लाइन है, ये पूरी कहीं भी जाने दो आज मार्केट, ऊपर जाने दो नीचे जाने दो, क्या दे रहा है ये
प्रॉफिट ही देना है ना, किधर भी मार्केट जाने दो, अगर आज के आज पोजिशन स्क्वायर अप कर दिया, बट क्या आप रियल मार्केट में इसको अप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा? आप खुद ही सोच के बताइए, अगर मार्केट वहीं पर हाल्ट हो जाता है तो आपको और मुझे दोनों को पता है कि हमने यहाँ पर बाइंग पोजिशन बनाई है तीनों में, ओके, दो कॉल बाइंग किए, एक पुट बाइंग किए, और अगर मार्केट वहीं पर हॉल्ट कर जाता है, मान लो घूम फिर के वहीं आके रुक गया, तो भी आपको पता है कि प्रीमियम डीके होगा, तो प्रीमियम डीके से इन तीनों पोजिशन में लॉस होता है। बट क्या इस ग्राफ में आप ये देख पा रहे हैं क्या? तो जो भी अंधभक्त है ना, उनके लिए पूछ रहा, बोल रहा हूँ मैं अंधभक्तों के लिए, आपके अंदर इतना तो दिमाग है कि आज के आज मार्केट ज़्यादा मूव ही नहीं किया, मतलब घूम फिर के वहीं आ गया, 50 पॉइंट मूव करके फिर वहीं आ गया, किधर भी जाने दो, तो प्रीमियम डीके तो पक्का होगा, क्योंकि थीटा तो जा रहा है ना, तो थीटा तो डीके होगा, तो फिर यहाँ पर तो लॉस होना चाहिए ना। बट ये तो बोल रहा है प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भैया, तो अंधभक्तों की तरफ फॉलो मत करो। ये क्या है, आपको दिमाग लगा के बनानी है स्ट्रैटेजीज। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट चलते हैं, और ऐसे जो बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो गई यूट्यूब्स पे, उनके अंदर की चीज़ों को हम आगे लेके आते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि उनको कैसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी भी गुरुज को, उनको अपना दिमाग लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये तो मेरा एक पर्टिकुलर व्यू था, बट देखो अगर ये ऑप्स्ट्रा वालों ने बनाया होगा तो वो काफ़ी जाने माने लोग होंगे और उनके पास बहुत सारा दिमाग रहेगा, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई नॉर्मल आदमी इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं बना सकता, तो उन्होंने दिमाग लगा के बनाया रहेगा। बट ये फ्लॉ है क्या? बिल्कुल नहीं, बट एक कैलकुलेशन मिस्टेक्स है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स या यूँ कह लीजिए कि ऑन द पेपर आप बोलेंगे ना, ऑन द पेपर गाड़ी कितना माइलेज देती है और रियल में कैसा देती, वैसी वाली मिस्टेक्स है, तो वही डिफरेंस है यहाँ पर। वेल, ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा आपको आगे जाके, ताकि आपको एक पता चल सके यार कि किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वरना ऐसे तो आप अंधभक्तों को फॉलो कर ही रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं भी बताता हूँ, अभी तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, नहीं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों की जो लोग रियल में अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, अपना प्रॉफिट भी बताते हैं, अपना लॉस भी बताते हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो आपको थोड़ा डायरेक्शन दे सकते हैं। बट तो भी कोई भी रहने दो, आंखें बंद करके नहीं फॉलो करना है। मैं भी आपको बहुत सारा प्रेडिक्शन देता हूँ, हर एक दिन मेरा वीडियो जाता है, बट नेक्स्ट डे अगर मार्केट मेरे प्रेडिक्शन के अगेंस्ट जाता है ना, तो मैं फिर से सोचता हूँ, फिर से डेटा को एनालिसिस करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लकीर का फ़कीर हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ, मैं अपने लिए भी अंधभक्त नहीं हूँ कि मैंने पहले बोल दिया तो वही लकीर का फ़कीर है, उसमें भी जो चेंज होगा करूँगा। क्योंकि एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और मैं परिवर्तित होता रहा तो मैं अडॉप्ट करूँगा, आगे बढ़ूँगा। वेल, यही था आज के वीडियो के लिए, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।